कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं। आज आप देख रहे होंगे मैंने 1600 वाट और 900 वाट के, 1100 वाट एंड 700 वाट के चार इन्वर्टर ले रखे हैं। इन चार इन्वर्टर्स का मैं आज कंपैरिजन करूंगा आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेहतर है। किसी के घर में एक बैटरी है तो किसी के घर में दो बैटरी है, तो कैसे बैटरी को चार्जिंग करना है, क्या कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। कभी आप जब दुकान पर जाते हैं तो गंभीर आप यही सोच में पड़ जाते हैं कि हमें 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगवाना है, 24 वोल्ट का लगवाना है, हमें 1100 लगवाना है या 900 लगवाना है, 700 लगवाना है, ये हमें जानकारी नहीं रहती है। तो आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। हमारे चैनल का एक खास मकसद है कि आपको सटीक और सही जानकारी देना। हम बड़ी मेहनत से सारी जानकारी जुटा के इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इन्फोराइट नाउ में। मैं शुभम गुप्ता कंपैरिजन करने वाला हूं आज इन इन्वर्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो मैंने नीचे जो इन्वर्टर रखा हुआ है 24 वोल्ट का, सबसे पहले इसी के बारे में बता दें कि ये कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं। ये जैसे क्लिनिक हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और कमर्शियल यूज दुकानों में, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह वहाँ। क्योंकि 24 जो वोल्ट का जो इन्वर्टर रहता है उसमें दो बैटरी का यूज होता है। अगर आपके पास एक बैटरी है तो आप 12 वोल्ट का लीजिए, अगर आपके पास दो बैटरी है तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर आप घर पे लगाइए। क्योंकि 24 वोल्ट का इन्वर्टर दो बैटरी को चार्ज करेगा, 12 वोल्ट का इन्वर्टर एक बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये 1600 वाट का है, ये आप दो बैटरी घर में है, अगर आपका तीन फ्लोर का घर है, तीनों में आप लोग रह रहे हैं या किराएदार वगैरह रह रहे हैं, सब में आप लाइट यूज कर रहे हैं, तो आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगवाएंगे। इसमें आपको दो बैटरी को चार्ज करेंगे, दो बैटरी रख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी चार्जिंग की अगर हम बात करें तो ये 8 से 10 घंटे में दोनों बैटरियों को चार्ज कर देगा, जिससे आपको अच्छा बैकअप मिलेगा। तो माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, और इसमें आपकी बैटरी किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं, माइक्रोटेक, एक्साइट या किसी भी कंपनी की बैटरी। ये चार्जिंग का काम है, हर कंपनी की बैटरी को चार्ज कर देता है। बहुत बार कस्टमर को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मेरी तो इस कंपनी की बैटरी है, क्या इन्वर्टर उसको चार्ज कर देगा? लेकिन किसी भी कंपनी की बैटरी हो या किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, चार्ज वो सभी करेंगे। ये बिल्कुल भी टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए, चार्ज करेगा नहीं करेगा। तो ये आप इस पे लोड कैसे, इस पे क्या क्या आपका चलता रहेगा, ये आपको दो बैटरी हो तो ज़्यादा लोड भी रख सकते हैं, जैसे कि 7 से 8 पंखे चला सकते हैं, घर की 10 से 12 LED जला सकते हैं, और अगर आपको LED TV वो भी चला सकते हैं, इन्वर्टर वाला अगर कूलर है उसे भी चला सकते हैं, और बहुत से 5 से 6 कूलर चला सकते हैं। फिर जितना ज़्यादा लोड रख देंगे उतना फिर इसका बैकअप कम हो जाएगा, अगर कम लोड रखेंगे तो ज़्यादा बैकअप हो जाएगा। तो इन्वर्टर के चार्जर, इन्वर्टर के स्विच उसी में दीजिए जो आपका बहुत ही ज़रूरी वाला हो, सारे में इन्वर्टर के स्विच ना दे दीजिए, ठीक है। तो ये होगी 24 वोल्ट इन्वर्टर की बात। अब बात कर लेते हैं हम, ये तीन मैंने ले रखे हैं तो इसमें से आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। एक मैंने 700 का ले रखा है 12 वोल्ट, एक 912 वोल्ट है, एक मेरे पास 1100 वोल्ट है। तो सबसे जरूरी है कि आप ऐस किस किस एरिया में रहते हैं, आपके घर में लाइट कितनी देर आती है, ये जरूरी है। सबसे जरूरी बात है कि 700 वाला कहाँ लगाएंगे आप, जिस आपके घर पे अगर लाइट 24 घंटे में 18 से 20 घंटे लाइट आती है, तो आपको जो बचे हुए 4 घंटे में तो इन्वर्टर यूज करना है, तो उसके लिए इसको चार्जिंग का ज़्यादा टाइम मिलेगा। यानी कि अगर ये 8 से 10 घंटे में, इसका टाइमिंग लगभग 8 से 10 घंटे में बैटरी को चार्ज कर देगा, ये चलाना आपको 4 से 6 घंटे, तो यानी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके घर में 18 से 20 घंटे लाइट आएगी तो ये चार्जिंग का टाइम ज़्यादा मिलेगा, और चलना तो कम ही है तो आराम से चार्ज करता रहेगा। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ लाइट 12 से 15 घंटे आती है, कम लाइट आती है 12 से 15 घंटे, मोस्टली तो 12 से 15 घंटे लाइट हर जगह आती है, तो उस एरिया में आप इसको प्रेफर करिए। क्योंकि इसके लिए चार्जिंग का समय लगता है वो 7 से 8 घंटे लगता है, 7 से 8 घंटे में ये आपकी एक बैटरी को चार्ज करेगा। तो चलिए अब 1100 जो वाट का इन्वर्टर है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये उस उन क्षेत्रों में लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां पर लाइट कम आती है, उन क्षेत्रों में ये लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बैटरी को चार्ज कर देते हैं। क्योंकि 1100 वाट का है, ज़्यादा लाइट की भी खपत करेगा और बैटरी को जल्दी चार्ज कर देगा। इसकी चार्जिंग टाइम होती है 4 से 5 घंटे में ये बैटरी को पूरा चार्ज कर देगा। तो ये उन क्षेत्रों में लगता है, मोस्टली ये ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट कम आती है, डे नाइट के हिसाब से भी लाइट कुल क्षेत्रों में आती है, तो वहाँ ये प्रेफर करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में लाइट कम आती है। और ये 900 में, 900 वाट मैंने बताया आपको, 700 वाट बताया, 24 वोल्ट यानी 1600 वाट, ये सारे मैंने बता दिए हैं। मोस्टली मैं एक प्रेफर आपको करता हूँ 900 वाट वाला, ये आप प्रेफर करिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, मीडियम क्लास का है, दोनों क्षेत्र में ये
ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इन्वर्टर में, 6 से 7 घंटे में ये चार्ज कर देगा, तो आप इसको प्रेफर करिए 900 वाट का। और कुछ आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।